सबके हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज वीडियो में चलिए देखते हैं फटाफट क्षितिज क्लास 9 का काव्य खंड में जितना भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सारा एमसीक्यू को सुपर फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं। एग्जाम से पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, चार वीडियो आपको मिलेगा। एक ग्रामर का पूरा कर दिए हैं, एक में ये काव्य खंड देख रहे हैं क्षितिज का गद खंड एक वीडियो में मिला होगा और एक वीडियो में कृतिका का। तो ये चार वीडियो देखिए जाइएगा, सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं साखिया कबीर द्वारा काव्यखंड का पहला चैप्टर, ये जो कि 9 चैप्टर है। तो साखिया जो है उससे इस तरह का एक क्वेश्चन रह सकता है जिसमें कुछ कविता का कुछ आंसर दिया हुआ रहेगा और उसके बाद उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, पाखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजय भजय सोई संत सुजान, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर शोक जीवता जो दुहू के निकटी न जाए। तो ये एक कविता है। प्रस्तुत पद की रचना कर कौन है, तो इस पद का रचना कर कौन है, तो कबीरदास है। पखा पखी का क्या अर्थ है, तो पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, है ना। कवि क्या होकर के हरि को भजने को कह रहे हैं, तो निष्पक्ष होकर के। कबीर ने किसे मृत कहा है, तो हिंदू और मुसलमान को मृत कहा है। अगला, हिंदू लोग परमात्मा के लिए क्या रटते हैं, तो राम राम रटते हैं। अगला, फिर से ऐसे ही दोहा का कुछ आंसर रहेगा, काबा फिरी काशी भैया राम ही भैया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जमी जीम, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच ना होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। तो प्रस्तुत पद की रचना कर कौन, तो कबीरदास है, ठीक है। काशी किसका धार्मिक स्थल है, तो हिंदू का। मोटा आटा का चूर्ण क्या हो गया, तो मैदा हो गया, है ना, मोटा आटा का चूर्ण मैदा हो गया। कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसको मानते हैं, तो ऊंचे कर्मों को। सुब्रम कलश में क्या भरा हुआ है, तो सूरा भरा हुआ है। अगला, सही विकल्प चुने, इस तरह का क्वेश्चन रख सकता है। साखिया के लेखक कौन है, तो कबीर है। अगला, कबीर किस ब्राह्मा के उपासक थे, तो निर्गुण। कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ कौन माना जाता है, तो बीजक है उसका प्रामाणिक ग्रंथ। कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है, तो मन के द्वारा। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही में हंस प्रतीक है किसका है, तो भक्त हृदय का प्रतीक है हंस। कबीर विरोधी था किसका, तो पाखंड के, कर्मकांड के, भेदभाव के, तो सभी होगा सही, इनमें से सभी। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है, तो मन या मानस है। अगला, कबीरा का अर्थ क्या है, तो ज्ञानी है। मानसरोवर में कौन विहार कर रहा है, हंस, है ना। सोई संत सुजान में सुजान का क्या अर्थ है, तो चतुर है, चतुर। काबा किसका तीर्थस्थल है, मुसलमानों का। अज्ञानी संसार को किसका प्रतीक कहा गया है, तो कुत्ते का प्रतीक कहा गया है अज्ञानी संसार को। कबीर की साखियों में किसका महत्व बताया गया है, तो प्रेम का महत्व बताया गया है इस कविता में। भक्तिकालीन कवि है कौन, कबीर है। कबीरदास का जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में, 1398 याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर शबद, एक पद है ये भी कबीर द्वारा ही लिखा हुआ, इससे क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें भी एक कविता का कुछ आंसर दिया हो रहेगा। जैसे इसमें दिया हुआ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिल हो पर भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सवासों की श्वास में। तो ये एक पद है। प्रस्तुत पद की रचना कर कौन, तो कबीरदास है। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, तो ईश्वर को ढूंढ रहा है। वैराग का मतलब क्या है, तो वैराग्य होता है। पद में किन दो तीर्थ स्थलों का नाम आए हैं, तो काबा और कैलाश का आया है। सब सांसों की श्वान में इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो ईश्वर सभी जीवों के कण कण में रहते हैं ना, सभी सांसों के श्वान में रहते हैं, यानी कण कण में। फिर से दोहा का कुछ अंश दिया हुआ रह सकता है इस तरह से, सांतो भाई आई ज्ञान कि आंधी रे, भ्रम तो भ्रम की टाँटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हीति चित की द्वें थूनी गिरानी, मोह बिलंडा टूटा तृष्णा छनी परी घर उपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी सतो बांधी, निर्जुग चुए ना पानी, कुड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी, आंधी पहुँचे जो जल झूठा बूठा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे प्रकटे प्रगटे उदित भया तम खीना।
तो प्रस्तुत पद की रचना कौन थे? कबीरदास। ठीक है, ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। मनुष्य के भ्रम दूर हो जाता है, मनुष्य माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाता है। तो सब सही है, तो इनमें से सभी लगा देना है। भ्रम का क्या अर्थ है? तो भ्रम का शंका अर्थ होता है हीति चित्त के दवाएँ थूनी गिरानी मोह बिलंडा लूटा से। कवि क्या कहना चाह रहा है? तो स्वार्थ और मोह दोनों को समाप्त हो गए, ये कहना चाह रहा है। तम का पर्यायवाची क्या है? तो अंधेरा। तम का पर्यायवाची क्या है? अंधेरा। ठीक है, अगला इसी से क्वेश्चन में पूछ सकता है डायरेक्ट। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है? तो मंदिर मस्जिद क्रियाक्रम सब में ढूंढता है, खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है। ठीक है, कबीर के अनुसार ईश्वर को कहाँ पाया जा सकता है? तो सब श्वासों के श्वास में है, हर कण कण में पाया जा सकता है। कबीर के दूसरे शब्द पद में किसके महत्व का वर्णन हुआ है? तो दूसरे पद में ज्ञान के वर्णन का वर्णन हुआ है। मनुष्य किसको ढूंढता फिरता है? तो ईश्वर को। किसको सब श्वासों के श्वास में कहा गया है? तो ईश्वर को कहा गया है, सभी श्वासों के श्वास में बसते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, इनमें मैं किसके लिए प्रतीत हुआ है? तो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ज्ञान की आंधी आने से क्या समाप्त हो जाता है? तो भ्रम समाप्त हो जाता है। अगला है, आंधी के बाद बरसने वाले जल का क्या आशय है? तो प्रभु भक्ति का आनंद है। ठीक है, अगला चैप्टर वाक। वाक से क्वेश्चन में आते हैं ललधद द्वारा, ये कविता का कुछ आंसर रह सकता है। इस तरह से, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हूँ, रह रह हूँ, घर जाने की चाह है मैं घेरे। यहाँ कावित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कमज़ोर शरीर के लिए रस्सी शब्द का प्रयोग किया कावित्री ने। कावित्री के कैसे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं? तो संसार रूपी सागर से पार जाने की जो प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कच्चे सकोरे से कावित्री का किससे तात्पर्य है? तो शरीर से, है ना। कावित्री के ईश्वर प्राप्ति के प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं? तो मोह माया के मन में जकड़ा हुआ होने के कारण ईश्वर प्राप्ति असफल हो रही है। कावित्री किस घर में जाना चाहती है? तो परमात्मा के घर में जाना चाहती है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुत सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दू क्या उतराई। ये पद भी इसी से है। तो सुसुम सेतु से कावित्री का क्या तात्पर्य है? तो सुसुम सेतु से तात्पर्य क्या है? तो सुसुमना नाड़ी की साधना से। अगला है, कावित्री के अनुसार उसके पास क्या नहीं था? तो भक्ति की सहज भावना नहीं था। पदांश में मांझी किसका प्रतीक है? तो ईश्वर का प्रतीक है। जेब टटोले कौड़ी न पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है? तो आत्मालोचन किया। सुसुप सेतु पर खड़ी थी पंक्ति में अलंकार बताइए, तो रूपक अलंकार इसमें है। फिर से इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन, वाक कविता की कवि कौन है? तो ललधद ये कावित्री है ना। ललधद किस भाषा की कावित्री है? तो कश्मीरी भाषा के। अगला, वाक कविता की में मांझी किसे कहा गया है? तो मांझी ईश्वर को कहा गया है। इसमें थल थल में बसता है शिव ही, यह पंक्ति किस कविता की है? तो वाक कविता की है। अगला है, ललधद की काव्य शैली को कहा गया है, क्या कहा गया है? वाक कहा गया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यह किस कविता की पंक्ति है? तो वाक कविता की पंक्ति है। कावित्री ललधद ने किसको उच्च ज्ञान माना है? तो आत्मज्ञान को। कावित्री किस नाव को खींचने की बात कर रही है? तो जीवन रूपी नाव को खींचने की बात कर रही है। कावित्री संसार में किस राह में आई थी? तो सहज सामान्य रूप से आई थी। भोग व त्याग के बीच संतुलन रखने वाला कौन होता है? तो संभावी होता है। वाक किसे कहते हैं? वाक वाणी को कहते हैं। शिव कहाँ बसते हैं? तो सर्वत्र, यानी हर जगह। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है सेवैया, रस खान द्वारा लिखा हुआ। इससे क्वेश्चन अगर आवे तो इस तरह से एक पैसे जा सकता है, मनुष्य हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरों चरों नित नंद के धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कबंद की डारन। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो रस खान है। रस खान अगला जन्म कहाँ लेना चाहते हैं? तो ब्रज के गोकुल गांव में अगला जन्म लेना चाहते हैं। अगला है, पद्यांश में रस खान केवल किससे अपना संबंध रखना चाहते हैं? तो ब्रज भूमि से। कवि पत्थर बनकर किस पर्वत का अंग बनना चाहते हैं? तो गोवर्धन पर्वत का अंग बनना चाहते हैं। पाहन का क्या अर्थ है? तो पत्थर है।
फिर से इसी कविता का एक पंक्ति यहाँ दिया हुआ है, अब पंक्ति पढ़ लीजिए। या लटक लकुटी अरु कमारिया पर राज तिहूँ पुर के तजी डौरों आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद के गाई चराई बसौरों। इस तरह से है कवि तीनों लोकों का राज किन के लिए छोड़ना चाहता है, तो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए छोड़ना चाहता है। कवि ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है, तो कृष्ण के संबंधित वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट किया है। कवि करील की कुंजों पर क्या निछावर करना चाहता है, तो करोड़ों सोने चांदी के महल ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है इसमें, अनुप्रास है ना। सिद्धियाँ कितनी हैं, तो आठ हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं इससे, तो सिद्धियाँ और निधियाँ कितनी कितनी हैं, तो आठ और नौ है, सिद्धियाँ आठ निधियाँ नौ। मुरलीधर किसे कहा गया है, तो श्री कृष्ण को कहा गया है। कालिंदी कुल कंबन की डारन में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। अगला है कवि रश खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण की भक्ति में। पाठ्य पुस्तक में संकलित रश खान की कविता किस छंद में वर्णित है, तो सवैया में वर्णित है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली से क्या करती है, तो ईर्ष्या करती है। अगला है रस खान की कविता किस भाषा में वर्णित है, तो ब्रज भाषा में। रस खान अगले जन्म में मनुष्य होने पर कहाँ जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते थे, ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में। अगला है रस खान का मूल नाम क्या था, तो रस खान का सैयद इब्राहिम नाम था मूल नाम। श्री कृष्ण के ने गांव वालों को किसके क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत की अंगुली पर धारण कर लिया था, तो इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए। रस खान किसी न किसी रूप में अपना संबंध किससे स्थापित करना चाहते हैं, तो ब्रज भूमि से। धरान धरी अधर न धरौंगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है, यमक अलंकार। कैदी और कोकिला से क्वेश्चन में, तो कैदी और कोकिला से भी इस तरह से एक पंक्ति दिया हो रह सकता है। क्यों कहूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुआ बावली। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो इस तरह का एक इस कविता से लिया गया पंक्ति है। तो कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है, तो रात में कूकने के कारण उसको बावली कहा है। कवि को कोयल की आवाज़ सुनकर कैसे अनुभूति हो रही है, तो दुख की वेदना की अनुभूति हो रही है। कवि ने अंग्रेजी सरकार की भयानक व क्रूर नीतियों को क्या कहा है, तो दवानल की ज्वालाएँ कहा है। अगला है मृदुल वैभव की रखवाली सी पंक्ति में अलंकार क्या है, तो उपमा अलंकार है। कोयल किस समय चीखी, तो आधी रात के समय। अगला है फिर से इस दोहे का कुछ अंश लिया गया है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, थड़कड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। इस तरह का कुछ दोहा का कुछ अंश है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी है। कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है, तो ब्रिटिश राज का गहना कहा है हथकड़ियों को। कवि को किसके कारण कारागार में जाना पड़ा, तो स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करने के कारण उसको जेल में जाना पड़ा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मधुर विद्रोह का बीज कौन बो रहा है, तो कोयल है ना। कवि का संघर्ष किसके विरुद्ध था, तो तत्कालीन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। फिर से इस चैप्टर का और भी क्वेश्चन बन सकता है, कैदी और कोकिला कविता के कवि कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है, तो भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी किसे कहा गया है, तो कोयल को कहा गया है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे है, तो उदास है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई, तो अंग्रेजी शासन की तुलना। अगला क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है, तो देशभक्ति प्रक है ना। और कवि कोकिला से कितने प्रश्न पूछते हैं, तो अनेक प्रश्न पूछते हैं ना, तो आपसे भी अनेक प्रश्न पूछेंगे यहाँ पे है ना, तो याद कर लीजिएगा। कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है, तो भारत माता की स्वर की कल्पना की। कोयल की आवाज़ में कवि को कैसी अनुभूति होती है, तो सुख की अनुभूति होती है। कवि चतुर्वेदी का जल का संसार कितने फुट का था, तो 10 फुट का था। अगला ग्राम श्री सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा हुआ यह कविता, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक।
श्यामल भूतल पर झुका हुआ, नभ का चिर निर्मल नील फलक, इस तरह से दोहा का कुछ अंश है। यहाँ से क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से लिया गया है, तो ग्राम श्री से लिया गया है। खेतों में दूर तक क्या फैला हुआ है, तो फसलों की मखमली कोमल हरियाली फैला हुआ है। अगला है, फलों पर क्या लिपटा गया है, तो फलों पर सूरज की किरणें लिपट गया है। फसलों की हरियाली से किसका रंग सांवला हो गया है, तो धरती का रंग सांवला हो गया है। चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। अगला फिर से इस दोहा से कुछ अंश लिया गया है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपण निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। इस दोहा का कुछ अंश, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन, तो सुमित्रानंद पंत होगा। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया है, तो गांव के हरे भरे सौंदर्य का। हिम आतप का यहाँ क्या अर्थ है, तो सर्दियों की धूप है ना। अगला, मरकत से भरे खुले डिब्बे को किसने ढक रखा है, तो नीले रंग के आसमान ने। कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको कहा है, तो मरकत डिब्बे से खुला गांव को कहा है, ठीक है। अगला है बहुविकल्प प्रश्न, इसी से प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा गया है। ग्राम श्री का निम्न में से सही अर्थ क्या है, तो गांव के महाशय है ना, गांव के शोभा। अगला है, खेतों में दूर दूर तक कैसी हरियाली फैली हुई, तो मखमल जैसी कोमल। कवि ने गांव को हरता जन मन कहा है, क्योंकि गाँव का सौंदर्य उसके मन को अपनी ओर खींच लेता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जनमन कहा है, तो कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है ना। ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो शिशिर ऋतु का वर्णन हुआ है। चौथा ऑप्शन सही होगा। ग्राम श्री कविता में कवि के कवि कौन है, तो वही सुमित्रानंद पंत है, ठीक है। ग्राम श्री कविता में छिमिया किसे कहा गया है, तो छिमिया मटर को कहा गया है। कवि ने मरकत डिब्बे सा खोला किसको कहा है, तो गाँव को कहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है, तो नीलम जैसा बताया है, नीलम जैसी। ग्राम श्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है, तो हरे रक्त के समान बताया गया है। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि थे, तो छायावाद के कवि थे, ठीक है। अगला, चंद्रगहना से लौटती बेर, यहाँ से क्वेश्चन में आते फटाफट। यहाँ से भी एक पैसेज रख सकता है, पैसेज जैसे यानी दोहा का कुछ अंश। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बंधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो ये कविता का कुछ पंक्ति। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन, तो केदारनाथ अग्रवाल है, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल याद रखिएगा। हरा ठिगना चना कितना बड़ा है, तो बीते के बराबर, एक बीता जो होता है ना उसके बराबर है। चने के पौधे में किस पगड़ी को बांधा हुआ था, तो गुलाबी फूल की पगड़ी को। ठिगना से यहाँ क्या आशय है, तो छोटे छोटे पौधे, ठिगना है ना, ठेपरा बौना जो होता है ना उसको। चंद्रगहना क्या है, तो गाँव को चंद्रगहना कहा है। और फिर से इसी दोहा का कुछ पंक्ति यहाँ पे, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चमकाता, है कोई कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन में है, पोखर के जल के ऊपर कौन उड़ रहा है, तो पक्षी उड़ रहा, पोखर माने तालाब है ना। पोखर के जल में चांदी का बड़ा सा गोल खंभा किसे कहा गया है, तो सूर्य के प्रतिबिंब को कहा गया है। पोखर के तल में किस रंग की घास उगी हुई है, तो पोखर के तल भूरे रंग की घास उगी हुई है। कौन चुपचाप पोखर के पानी पी रहे हैं, पत्थर है ना। जब पोखर में लहरें उठती है तो क्या लहराती है, तो पोखर की घास लहराती है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के कवि कौन, तो केदारनाथ अग्रवाल है। हरी ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है, तो चंद्रगहना से लौटती बेर से हुआ है। अगला है, बगुला का क्या देखकर ध्यान निद्रा त्यागता है, तो जोंक को देख करके। इनमें से किस कविता के प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो प्रकृति मानवीकरण चंद्र गहना से लौटती बैर में किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते थे, प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं ये, कवि माने जाते हैं।
चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में सबसे सयानी कहा गया है, सबसे सयानी किसको, सरसों को कहा गया है। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा का वर्णन किस कविता में हुआ है, तो चंद्रगहना से लौटती बेर में हुआ है। अलसी के लिए कौन सी विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो हठीली। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है, तो स्थान का नाम है। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में प्रकृति और संस्कृति की क्या व्यक्त हुई है, तो एकता, प्रकृति और संस्कृति की एकता को व्यक्त किया गया है। एक बीते के बराबर हरा ठिगना क्या है, तो चना है। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के में किस शहर का नाम आया है, तो चित्रकूट का नाम आया है। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा हुआ कविता, इससे क्वेश्चन आते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के आगे आगे नाचती गाई गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जीव आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इस दोहे से क्वेश्चन, काव्य में मेघ के आने का चित्रण किस रूप में किया गया है, तो गांव के मेहमान के रूप में किया गया है। मेघ रूपी मेहमान के आने की सूचना गांव वाले को किससे मिलती है, तो हवा चलने से मिलती है। ठीक है, अगला है, मेघ रूपी मेहमान का स्वागत पीपल का पेड़ किस प्रकार करता है, तो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति की तरह करता है। अगला, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, पंक्ति में ब्यार शब्द से क्या तात्पर्य है, तो हवा चलने से है ना। पाहुन किसे कहा जाता है, अतिथि को कहा गया है। इसमें बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिही बोली अकुलाई लता ओट हो विकीवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के स्वर के। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने लता की तुलना किससे की है, तो मेघ रूपी मेहमान की प्रियतमा से की है। अगला है, बरस बाद सुधी लिहनी कहकर किसने मेघ को उलाहना दिया, तो लता रूपी मेघ की प्रतिमा ने, प्रियतमा ने। ताल मेघ के आने पर परात की पानी भरकर क्या लाया, क्यों लाया, तो मेघ रूपी मेहमान के पैर धोने के लिए लाया। अकुलाई लता किसकी प्रतीक है, तो नवबधु की प्रतीक है। इससे और भी क्वेश्चन है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो पावस ऋतु का। मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है, तो मेघ को कहा गया है, पाहुन है ना मेहमान। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है, तो बरगद के पेड़ को कहा गया है। बंकी चितवन उठा नदी ठठनी ठिठनी ठिठकी घूंघट सर के का वर्णन किस कविता में है, तो मेघ आए में है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन आता है, तो सजीव हो जाता है वातावरण है ना, जिंदा हो जाता है। मेघ आए बड़े बंठन के, खाली स्थान के सही शब्द भरना है इसमें, तो बंठन के समर के होगा है ना, समर के। मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना की गई है प्रवासी अतिथि धमाद से है ना, धमाद से तुलना की गई है। मेघ आए कविता के आधार पर बताएं कि आंधी आने पर क्या होता है, तो पेड़ झुक जाते हैं। अगला, व्याकुल लता किसके पीछे छिपकर मेघ की शिकायत कर रही है, तो दरवाजे के ओट में छुप करके। तालाब द्वारा प्रात में पानी भरकर लाना किस भारतीय परंपरा को दर्शाता है, तो मेहमान के पैर धोने को दर्शाता है। मेघ आए कविता के आधार पर बताएं कि गाँव का सामान्य व्यक्ति किसे कहा गया है, तो पीपल के पेड़ को। मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है, तो हवा चल रही है। ठीक है, अगला, यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखा हुआ, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर यह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। इस तरह से एक दोहा का कुछ पंक्ति है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन, तो चंद्रकांत देवताले। माँ दुख बर्दाश्त करने के रास्ते किसकी सलाह से खोजती है, तो ईश्वर के सलाह से। कवि के माँ को किस में बहुत आस्था है, तो ईश्वर में। ईश्वर से किसकी बात होती रहती है, तो कवि की माँ से बात होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, कवि की माँ ईश्वर की सलाह मानकर कौन से तरीके सीख लेती है, तो जीवन जीने के तरीके सीख लेती है। फिर से इस दोहा का कुछ पंक्ति, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। तो यहाँ से क्वेश्चन है, दक्षिण की दिशा किसकी दिशा मानी जाती है, तो मृत्यु की दिशा। किसे क्रुद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है, तो यमराज को।
यमराज का घर किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। माँ ने बच्चे को किस दिशा पर पैर करके सोने से मना किया? तो दक्षिण दिशा में। बुद्धिमानी का विलोम शब्द क्या है? तो बुद्धिहीन है इसका उल्टा। फिर से इस चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, माँ ने बच्चे को किस दिशा में पैर करके सोने से मना किया? तो पश्चिम, दक्षिण दिशा में, है ना। किसको क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है? तो यमराज को। यमराज कौन है? तो मृत्यु के देवता है। आज जिधर भी पैर करके सो वह दिशा कौन दिशा हो जाता है? तो दक्षिण दिशा हो जाता हो जाएगा। आज सभी दिशाओं में किसकी अलीशान महल है? तो यमराज के महल है। किस दिशा में? यमराज की दिशा को, यमराज की दिशा कहा गया है, तो दक्षिण दिशा को। किसको लांघ लेना संभव नहीं था? तो दक्षिण को। माँ अपने कष्टों के विषय में किससे बताती है? तो ईश्वर को बताती है। बचपन में कवि अपने माँ से किसके घर का पता पूछता है? तो यमराज के घर का पता पूछता था। माँ ने कवि को दक्षिण दिशा में खतरों से कब अवगत करा दिया था? दक्षिण दिशा खतरों से बचपन में अवगत करा दिया था। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी द्वारा लिखा हुआ ये कविता। इस कविता साथ है फटाफट क्वेश्चन, थोड़ा देर और खत्म हो रहा है, ठीक है। पूरा देखिएगा जरूर, भागिएगा नहीं तो फिर क्वेश्चन छूटेगा। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इससे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो इस कविता का कुछ पंक्ति है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन? तो राजेश जोशी है। कवि के अनुसार हमारे समय की भयानक पंक्ति क्या है? तो बच्चों को काम पर जाना है ना, बच्चे को काम करना पड़ रहा है, तो ये सबसे भयानक पंक्ति है, खतरनाक चीज़ है। कोहरे से ढकी सड़कों पर सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो काम पर जा रहे हैं। काव्यांश में कवि ने किस समस्या का समाधान पर हमारा ध्यान केंद्रित किया? तो बाल मजदूरी की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया, बच्चों की मजदूरी पर, है ना। काव्यांश के आधार पर बताएं कि बच्चों का विकास किसके द्वारा संभव है? तो शिक्षा के द्वारा संभव, इसलिए बच्चों को पढ़ाएं ना कि काम करवाएं, ठीक है। अगला बहुविकल प्रश्न इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन? तो राजेश जोशी है। तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं में हुआ है। बच्चे काम पर जा रहे हैं यह किस बोध की कविता है? तो सामाजिक कविता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य क्या है? तो बाल मजदूरी को रोकना इसका उद्देश्य है। प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? तो बच्चों की काम पर जाना, बच्चों का काम पर जाना, इसको क्वेश्चन के माफिक लिखा जाना चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि की पीड़ा का विषय क्या है? तो बालकों की मजदूरी करना है ना, बालों का, बच्चों का मजदूरी करना पीड़ा का विषय है। बच्चे काम पर किस सड़क से जा रहे हैं? तो कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह सुबह। कविता के आधार पर बताएं कि बच्चों का रंग बिरंगे किताबों को किसने खा लिया? दीमकों ने खा लिया, है ना। कवि बच्चों के लिए कैसी सुविधा चाहता है? तो खेलने कूदने की सुविधा चाहता है बच्चों के लिए, निश्चित जीवन जीने का, पढ़ाई लिखाई करने का, तो सभी सही हो जाएगा इनमें से सभी। बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में कैसे भाव उमड़ते हैं? तो आवेग, चिंता, करुणा, तीनों, तो चौथा ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन काव्यखंड का, कविताओं से रिलेटेड जितना भी चैप्टर है सभी कविताओं का कोई एमसीक्यू देने का प्रयास किया। उम्मीद है वीडियो काम करा हुआ तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चारों को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।